स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना। कई बार सोशल मीडिया पर अपलोड हुए फोटो और वीडियो इतने वायरल हो जाते हैं कि लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ सारण के रौनक के साथ हुआ है। कोरोना महामारी को लेकर बंद पड़े स्कूलों को लेकर नेताओं पर कटाक्ष करते हुए इस होनहार बच्चे ने अपनी गायकी के माध्यम से एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल कोरोना की वजह से बंद पड़े स्कूलों को लेकर रौनक अपने पिता से ये सारी बातें करता था। रौनक के पिता जो लोक गायक व गीतकार भी हैं, उन्होंने अपनी बेटी की व्यथा को गीतों में ढाल दिया और फिर रौनक ने भी अपना काम कर दिया। गीत को उसके पिता ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद वीडियो रातों रात इतना वायरल हो गया कि वीडियो को एक रात में लाखों लोगों के लाइक्स मिले। हेलो, मेरा नाम रौनक रतन, ये गाना मेरे पापा का लिखा हुआ है। मैं सरकार से एक निवेदन करता हूँ, जिस सुविधा से चुनाव किया जा रहा है उसी सुविधा से स्कूल चलाया जाए। खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना, खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना। नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना, नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना। हमको लगता है केवल तुम डरते हो चुनाव से, हमको लगता है केवल तुम डरते हो चुनाव से। जाता हूँ स्कूल तुम भी आ जाते हो चाव से, मेरे सर जी का दिल तुम दुखाते हो कोरोना। खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना, खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना। वायरल गीत खुलते मेरे स्कूल क्यों आ जाते हो कोरोना, नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना, पूरे देश के छात्रों की आवाज बन गया है। वायरल वीडियो के बाद परिवार में काफी खुशी का माहौल है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर पढ़ाई करने वाला बालक रातों रात किस कदर फेमस हो गया, इसका रौनक के परिवार को आभास तक नहीं था। प्रेरणा समझिए जो मेरे बच्चे से ही मिला और उसको मैंने लिखा। स्कूल काफी दिनों तक बंद रहा। ये एक ऐसा बच्चा है जो संडे को भी बोर हो जाता है स्कूल के बिना। ये कहता है कि पापा हम बोर हो रहे हैं। इसको व्यस्त रखने के लिए हमको खुद इसके साथ खेलना पड़ता है। और ये पूछा करता था जब लंबा स्कूल बंद हो गया तो पापा ये स्कूल कब खुलेगा। उसके बाद बिहार चुनाव आया, उस चुनाव को लेकर ये बोला पापा तो रैलियाँ तो हो रही हैं लेकिन हमारा स्कूल नहीं खुल रहा है। फिर अभी स्कूल थोड़े दिन के लिए ओपन हुआ तब तक बंदी का ऐलान हो गया सरकार की तरफ से। उसके बाद बंगाल चुनाव के बारे में सुना तो फिर हमसे पूछा कि पापा चुनाव तो हो रहे हैं, देखिए बहुत सारी भीड़ है, हर नेता की रैली। मैंने कहीं ना कहीं कोरोना डिस्टर्ब कर रहा है बच्चों को, माइंड को। इसको तो बहुत ज्यादा बच्चे, इसके दोस्त जो हैं इसको फोन करते हैं इससे मिलने के लिए, इससे सब लोग प्यार करते हैं। स्कूल में भी इसके अभी शिक्षकों का बहुत सारा, बक्सर से इसके एक प्रिंसिपल है वो फोन किए थे इसका वीडियो देख के, लखनऊ से एक इसके शिक्षक हैं वो फोन किए थे। तो ये सबका प्यारा है और इसी से ये प्रेरणा मिली तो हमने ये गीत लिखा। रौनक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसे काफी शोहरत मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सोशल मीडिया पर मिली शोहरत को असल जिंदगी में रौनक कितना भुना पाएंगे। तो सरकार में नीति निर्धारक नेतागण और अधिकारी इस गीत के माध्यम से किए गए कटाक्ष को कैसे अपनाते हैं और शिक्षण संस्थाओं को क्या निर्देश देते हैं। छपरा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।